नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम बांग्लादेश में चल रही नाटकीय राजनीतिक उथल पुथल के बीच में हैं। पिछले कुछ हफ्तों से राजधानी ढाका सरकार विरोधी प्रदर्शनों से हिल गई है। शुरुआत में नौकरी आरक्षण नीतियों से असंतोष से भड़के ये विरोध जल्द ही प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक बड़े आंदोलन में बदल गए। भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के आरोप लगे प्रदर्शनकारियों ने उनके इस्तीफे की मांग की। स्थिति तेजी से बढ़ी। पुलिस के साथ हिंसक झड़पों में कई लोग मारे गए और सरकार की प्रतिक्रिया तेज और कठोर थी। कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट एक्सेस प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन इन उपायों ने प्रदर्शनकारियों के गुस्से को और भड़का दिया। छात्रों, शिक्षकों, वकीलों और आम नागरिकों के समर्थन से पूरे देश में आग की तरह विरोध प्रदर्शन फैल गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने का आग्रह करते हुए चिंता से देखा। बढ़ते दबाव में शेख हसीना ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। सोमवार को उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भारत भाग गए। देश के सैन्य प्रमुख जनरल वॉकर उज्जमान ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनके इस्तीफे की पुष्टि की और एक अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। इस अंतरिम सरकार का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। राष्ट्र को संबोधित करते हुए यूनुस ने शांति और स्थिरता का आह्वान किया, यह वादा करते हुए कि जल्द ही नए चुनाव होंगे। हालांकि हसीना के समर्थक इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं। उनका दावा है कि उनका इस्तीफा सेना द्वारा आयोजित एक तख्ता पलट था, जो लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर बना हुआ है और यह अनिश्चित है कि आने वाले दिन क्या लेकर आएंगे। बांग्लादेश अब एक चौराहे पर खड़ा है, महत्वपूर्ण अनिश्चितता के दौर का सामना कर रहा है। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सामने एक कठिन काम है। शांति और व्यवस्था बहाल करना सर्वोपरि है, लेकिन सभी राजनीतिक गुटों का समर्थन हासिल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना कि आगामी चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे बढ़ना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए समर्थन देना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बरकरार रखा जाए और बांग्लादेशी लोगों की आवाज सुनी जाए। बांग्लादेशी लोकतंत्र के लिए लंबे समय से लड़ रहे हैं। यह जरूरी है कि उनकी आवाज का सम्मान किया जाए और उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जाए। आने वाले दिन बांग्लादेश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होंगे। इस कहानी के विकसित होने के साथ और अपडेट के लिए बने रहे। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो अधिक समाचार अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली